एफसी दुर्गापुर के सेट पर पहला शॉट लेने हैं जो भी सेवन नंबर जर्सी ने उन्हें अनिल बर्मा शॉट है जो इधर पानी में नया है जो अनिल पहला शॉट लगी थोड़े को एफसी दुर्गापुर के सेट पर थोड़े सामने रे बनाया जो कि पिस्ट टू पिस्ट को जो कि गोल कीपर पे रहे थोड़े लाइक प्लस तो पांच पर टिप बेटा वही बोल के ना फिर बात में अच्छा अच्छा वीडियो हो रहा है हां देखते हैं अरे बेहतर सो रहे हैं ना नोडे अनिला पहला बॉल बोल के ना एफसी दुर्गापुर से पर देखते हैं नोडे हां राज प्लस तो पापु टीम पर पहला शॉट लगे तो कड़ा प्लेयर से चला गया वहां बुरियल में टेन नंबर जैसे ने जो कि अजय किस्को बैक प्लस पापड़ से पर सामने रहेगा नायकी मुर्मो एफसी दुर्गापुर रेड बॉल कीपर नायकी अजय और नायकी के बीच में एक फर्स्ट बॉल लेने के लिए आमने सामने है लेकिन यहां पर सेंट जोसेफ जीते हैं या बॉल में और इस प्रकार नायकी मानना पड़ेगा जो कि राज प्लस टू तो पाकुड़ के द्वारा एक पीस आया है दुर्गापुर से जो कि नायकी है बहुत ही अच्छे यहाँ पर सेव करके आपने एक स्कोर पर अभी तक बढ़ा दिलाई है देखना होगा सेकेंड स्तर पर शॉट लगाने के लिए जो कि दुर्गापुर टीम से आठ नंबर जर्सी में राजू किस्कू यहाँ पर किस्टो किस्कू के ऊपर पर यह सेकेंड बॉल है तब तक देख रहा होगा यहाँ पर राजू और यहाँ पर किस्टो के बीच में आमने सामने और इस प्रकार से यहाँ पर किस्टो किस्कू के हाथ से छूट जाती है गेंद जबकि सेकेंड बॉल में यहां पर बॉल आया है एफसी दुर्गापुर की तरफ से फिर से नायकी क्या सेवन नंबर का यहां पर गेंद को रोक पाएगी कि नहीं प्रभुधर किसको राइट प्लस टू पाकुड़ टीम से सेवन नंबर पर प्रभुधर सामने में रहेंगे नायकी मुर्मू इसका जोश जुलूस है जो कि यहां पर नायकी का तब तक देखना होगा बिल्कुल किस प्रकार का शॉट रहेगा लेकिन इस बार भी नायकी ने यहां पर गेंद को ब्लॉक लिया दो दो गेंद को रोका दो गोल से आगे है अभी भी नायकी मुर्मू जो कि बहुत चर्चित गोलकीपर है इस इलाके पर तब तक यह तीसरा स्तर पर स्टक लगाए गए जो कि हेमलाल हेमलाल टुडू सामने में किस्टो किस्को फिर से देखना होगा यहाँ पर हेमलाल अब बहुत ही बेहतर से तीसरा बॉल यहाँ पर एफसी दुर्गापुर के द्वारा 20 हुआ है और जबकि देखना पड़ेगा और सत्या किसको 17 नंबर जैसे पर सामने में रहेंगे नायकी मुर्मो जो कि दुर्गापुर टीम से सत्या नायकी के बीच पे आमने सामने तीसरा शॉट अभी गोल आया है जो कि टीम में एक गोल फिर से यहां पर किस्टो किसको रोकना पड़ेगा जो कि फर्स्ट और सेकेंड बॉल अपना
फर्ज का यहाँ पर दोनों टीम दोनों प्लेयर्स गलती कर दिए हैं, और जबकि यहाँ से चौथा नंबर का शॉट लगाएंगे एफसी दुर्गापुर टीम से जो 15 बजे सुपर अंकित है सोलह हैदराबाद। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन यहाँ पर किस टू किस टू सामने में है, यही 4 नंबर का शॉट रहेगा एफसी दुर्गापुर की तरफ से। बहुत ही तेज शॉट मानना पड़ेगा यह शॉट पर, क्योंकि सोलह का देख रहा होगा ये चौथा नंबर का शॉट लगाने के लिए राइट प्लस पाकुड़ तीन से 8 नंबर जो कि डिफेंडर लाइन से खेल रहे थे मनेल हेम्ब्रम। नाइकी के फिर से क्या नतीजा आएगा अपने टीम के लिए, नाइकी जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर थे जो कि गोलकीपर पर हर जगह पर इसका चर्ची है, और आज के दिन में जबकि बाबूजी कलम असा दिपा के ग्राम पर देख पाते हैं, ये 4 नंबर का शॉट है जो कि 8 नंबर जैसे पर मनेल हेम्ब्रम, और बहुत तेज तरह शॉट और बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट शॉट है पंजाब बॉल जो कि ये हर प्रकार से गोल लेना है, और तब तक देखना होगा एफसी दुर्गापुर टीम से यहाँ पर टीम को सेमीफाइनल पर क्वालिफाई करने के लिए कौन सा प्लेयर चाहेंगे ये देखना होगा। और ये सीधर का शॉट रहेगा अपने टीम के लिए यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा, यहाँ पर 5 नंबर 80 जो कि सीधर किसको यदि गोल करते तो मैच को जीत जाती है, और इस प्रकार से एफसी दुर्गापुर टीम यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और जबकि राज प्लस के पाकुड़ टीम इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गई है।